राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में समर्थन मूल्य पर बेचे गए गेहूं का पेमेंट समय पर नहीं मिलने के कारण किसानों ने नाराजगी प्रकट करते हुए खिलचीपुर के केंद्र सहकारी बैंक में हंगामा किया। किसानों ने बताया कि हमने समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचा है पर हमें समय पर पेमेंट नहीं मिल रहा है। बैंक हमें टुकड़ों में प्रतिदिन 10,000 ही भुगतान कर रही है। हमें रोज 20 से 30 किलोमीटर से बैंक आना पड़ रहा है। किसानों के बढ़त हंगामे को देखते हुए बैंक मैनेजर ने आज से 49,000 भुगतान करने की बात कही, तब जाकर मामला शांत हुआ। क्या समस्या है आपको? पेमेंट नहीं मिल पा रहा समर्थन मूल्य का टाइम से। एक दिन में 10,000-20,000 रुपए देते हैं, वो चक्कर लगाओ बैंकों पे। हमें 2-2.5 लाख रुपये लेने दे। मतलब जो आपने गेहूं बेचे थे समर्थन मूल्य में, हाँ, उसका भुगतान नहीं हो रहा है? उसका भुगतान तो कितने कितने दे रहा है पेमेंट का? 10,000-20,000 से ज़्यादा नहीं दे रहे। अच्छा, रोज अभी विड्रॉल भरा था सर, 5,000 रुपये निकाले। और रोज पेमेंट लेने के लिए बैंक आना पड़ रहा है? रोज आना पड़ रहा है। आपकी बैंक वाले से बात हुई होगी? बैंक वाले भी बोलते हैं ऊपर से पेमेंट नहीं आ रहा हमारे पास, जितना आएगा उतना बांटेंगे। किसानों ने जो गेहूं बेचा है लगातार, आज जब किसानों का कहना है कि हमें सिर्फ 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं, वो कब तक आएंगे? हम 50-100 रुपये खर्च होते हैं हमारे और दिन भर ये ख़राब होता है। पेमेंट कर देंगे आज, गुन पचास पेमेंट कर। तो सारे किसानों का कितना पेमेंट किया जाएगा सर आज? गुन पचास हज़ार। अब किसानों को परेशानी नहीं आएगी? परेशानी नहीं आएगी बाकी किसान के। तो सर परेशानी क्यों आ रही थी, क्या कारण है, क्या पैसे कम आ रहे हैं? राशि हमें मुख्यालय से मिलती, उतनी राशि हमें मिलती है और NFT के द्वारा आज किसान के खाते में जमा, अभी वो किसान भी लेने आते हैं। तो आपने उसे अव्यवस्था, आपने वरिष्ठ अधिकारियों से इस मामले में बात की होगी? वरिष्ठ अधिकारी उनका ये कहना है कि राशि जो नाम से मिलेगी वो सबको आपको भुगतान की जाएगी। गौरतलब है कि समर्थन मूल्य में खरीदी के बाद किसानों को समय पर रुपए का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते आए दिन विवाद की घटनाएं सामने आ रही हैं। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट।